ठीक है, तो हमने ये एक्सिस सुन ली, एक्स और वाई जो एक्स एक्सिस है उससे वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा। अल्फा एंगल हॉरिजन से है तो इंक्लाइन से कितना एंगल होगा इसका, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका इंक्लाइन से एंगल है अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ कॉस कंपोनेंट, इस तरफ साइन। सो यू एक्स इज यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे यू वाई इज यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये तो वेलोसिटी के कंपोनेंट हुए। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा इसका, नीचे की तरफ, दैट इज जी। उसके भी कंपोनेंट लेने होंगे, प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। समझना, जो प्लेन है वो ओरिजिन से बीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो अगर ये बीटा होगा तो जी का प्लेन के नॉर्मल के साथ भी बीटा एंगल होगा। तो जी के दो कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल डायरेक्शन में जी कॉस बीटा, ठीक, और अलोंग द प्लेन जी साइन बीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूं ए एक्स जी साइन बीटा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस जी साइन बीटा हो जाएगा। और ए वाई नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एक्सीलरेशन का, ठीक, दैट शुड बी माइनस जी कॉस बीटा। तो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट भी मिल गए। अब सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं, कितने टाइम के बाद ये फिर से प्लेन को स्ट्राइक करेगा, ठीक। एक बात क्लियर है कि जब हमने इसको फेंका है तो प्लेन से पहले दूर जाएगा और फिर प्लेन के पास आ जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब ये अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, फिर से प्लेन पे आ जाएगा, मतलब वाई डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा रहा हूं मैं वाई डायरेक्शन में, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई कंपोनेंट की बात करेंगे हर जगह हम, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यू वाई इज यू साइन अल्फा माइनस बीटा टी, एक्सीलरेशन इज माइनस जी कॉस बीटा वाई कंपोनेंट के लिए, ठीक है। और वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब ग्राउंड को टकराएगा। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, इट इज टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा, राइट। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है ना। इतने टाइम के बाद ये फिर से प्लेन से स्ट्राइक करेगा, ठीक। और क्या निकालना है हमें, रेंज, प्लेन के अलोंग इसका रेंज क्या होगा वो बताना है, ठीक। अब देखो रेंज निकालना है, यहां से फेंका फाइनली यहां पर गिरेगा, तो ये रेंज निकालनी है। जहां से फेंका इस पॉइंट को मैं ओ कह रहा हूं, यहां गिरा इसको ए। एक काम करते हैं, यहां से हॉरिजन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और जहां परपेंडिकुलर गिर रहा है उसको मैं बी कह रहा हूं, ठीक। नाउ रेंज निकालना है अलोंग द इंक्लाइन, मतलब ओ से लेकर ए तक की लेंथ निकालनी है, ठीक है, समझना। इस टेल को हमने थ्रो किया, भूल जाओ अभी इंक्लाइन प्लेन को,
नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह देखो, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से प्लेन को हिट करेगा, तब तक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज ओ बी। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस, कितना एंगल बना रहा है वो हॉरिजन से, अल्फा, सो यू कॉस अल्फा इनटू टाइम। तो टाइम अभी हमने निकाला, राइट, तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना, देन ओ बी हो गया। अब इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बेस जानते हो तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, राइट। हियर कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ ए, और जो रेंज है इसकी वो ओ ए के बराबर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओ बी बाय कॉस बीटा, बस ओ बी की वैल्यू रख दो, ठीक। यू कॉस अल्फा टी बाय कॉस बीटा, टी की वैल्यू रखो, अभी निकाली थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो इट वुड बी टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग रेंज निकल गई वो, ठीक है। तो रेंज निकल गया, अब हम डिराइव कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज की कंडीशन। तो रेंज डिपेंड करेगा किस एंगल पर आपने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, ठीक है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकालनी हमें इस केस में, ठीक है। और रेंज जो है दैट इज टू यू स्क्वायर, ठीक है, बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो अल्फा पर डिपेंड करेगा, तो अल्फा पर यही फैक्टर डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेंज मैक्सिमम होना है, इन दैट केस इस फैक्टर को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन जो है जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा इज मैक्सिमम, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इसका डिफरेंशिएशन, अल्फा वेरिएबल है तो अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसका डिफरेंशिएशन जब जीरो के बराबर हो, ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो y1 y2, ठीक है, प्रोडक्ट y1 y2 का जो डिफरेंशिएशन होता है, पहले साइन को डिफरेंशिएट करो, cos अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, देन cos को डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन अल्फा आएगा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, दैट शुड बी, ठीक। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कौन सा रूल है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस टू अल्फा माइनस बीटा शुड बी जीरो। कॉस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज पाई बाय टू, दैट मीन्स टू अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू पाई बाय टू, और अल्फा इज बीटा बाय टू प्लस पाई बाय
मतलब इस एंगल पर अगर आपने प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्टाइल को बीटा बाय टू प्लस फाइव बाय फोर, तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। तो इस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूले में, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखो तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी हमें, राइट। बीटा बाय टू प्लस फाइव बाय फोर, ठीक, साइन फाइव बाय फोर माइनस बीटा बाय टू कॉस अल्फा, नाउ टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। हम ट्रिग्नोमेट्री में टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। हाँ, ऊपर वाली स्टेप्स है क्या, ऊपर की स्टेप्स है ये, तो अल्फा की वैल्यू रखी ना हमने, रेंज मैक्सिमम निकालना है, तो अल्फा इज पाई बाय फोर प्लस बीटा बाय टू, तो अल्फा की जगह रख दो उसको निकल जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा जब ये रिलेशन यूज करेंगे हम, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक, साइन ए प्लस बी। सर हाँ सर, तो अल्फा माइनस बीटा है सर, चलो अल्फा की वैल्यू रख के देखो, आप अल्फा की वैल्यू रखो पाई बाय फोर प्लस बीटा बाय टू, ठीक है, माइनस बीटा, तो ये हो गया पाई बाय फोर माइनस बीटा बाय टू, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी, ए और बी को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाय टू प्लस साइन ए माइनस बी, डिफरेंस लो, इट वुड बी साइन माइनस बीटा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, साइन फाइव बाय टू मतलब वन, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, तो वन माइनस साइन बीटा के बराबर। तो इंक्लाइन प्लेन पर जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज होगी, राइट, और कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू बीटा बाय टू प्लस पाई बाय फोर के बराबर। अब इसका एक स्पेशल केस समझो, जब हमने ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था उसको आप इंक्लाइन प्लेन मान सकते हो, उसका एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री, तो बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बीटा जीरो मतलब अल्फा कितना हो गया पाई बाय फोर। तो हमने ये कंडीशन देखी थी कि 5 डिग्री के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, वैसे ही मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, तो बीटा की जीरो रखो वैल्यू, साइन बीटा जीरो कॉस बीटा वन, तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगी, ठीक है ना। बीटा जीरो डिग्री जब होगा तब
तब वो ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब इसका सेकंड केस देखते हैं, ये तो अब द इंक्लाइन प्लेन था, नाउ डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ फेंकेंगे। तो देखो बहुत आसान है, एक बार हमने जब ये अप द इंक्लाइन प्लेन के फॉर्मूले डिराइव कर ली तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन बड़े आसानी से हो जाएगा। समझना कंसेप्ट, डाउन द इंक्लाइन प्लेन इस तरह का प्लेन है, ओरिजिन से बीटा, समझना ध्यान से, यहां से फेंका हमने प्रोजेक्टाइल को, यू वेलोसिटी है, हॉरिजन से ये एंगल हम हमेशा डिफाइन करते हैं, तो ये हॉरिजन वाली लाइन है, इससे एंगल अल्फा है, राइट, और ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। अब ध्यान से समझना, इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें फर्क ये था कि ऊपर की तरफ प्लेन था बीटा एंगल पे ऐसे, और इसमें जो प्लेन है वो सेम बीटा एंगल पर है बट नीचे की तरफ, और उसमें ऊपर की तरफ था, तो ऊपर अगर मैं प्लस बीटा लेता हूं तो नीचे क्या होगा, माइनस बीटा, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं प्लस कहूं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो फेंका आपने वैसे ही है बिल्कुल, बस प्लेन ऊपर के बजाय नीचे है, राइट, तो बीटा के बदले हम माइनस बीटा रख देंगे, ठीक है ना, तो पिछले प्रॉब्लम में राइट रिप्लेस बीटा विथ माइनस बीटा, तो जहां जहां बीटा की टर्म आ रही थी वहां पे माइनस बीटा रख दो, ठीक है। तो एक एक करके, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा माइनस बीटा है तो वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बाय g कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा रखोगे बट कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इस तरह के केस का, रेंज कितनी होगी, तो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उसकी जगह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये होगी रेंज, राइट। नाउ रेंज मैक्सिमम कब होगी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 था, यहां पर हो जाएगा माइनस बीटा बाय 2, और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ठीक है, तो लास्ट में लिखा था हमने यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन बीटा था तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा। तो अगर आपको अप द प्लेन के डेरिवेशन क्लियर है तो डाउन द प्लेन के लिए बस बीटा के प्लेस पर माइनस बीटा करना है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले हम यहां भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।